19 अक्टूबर 2024 को इसराइल के सीसेरा में पीएम नेतन्याहू के निजी आवास पर एक ड्रोन हमला हुआ था। आईडीएफ ने इस हमले को नेतन्याहू की हत्या की कोशिश बताया था। हालांकि जिस वक्त ये हमला हुआ उस वक्त नेतन्याहू और उनका परिवार इस घर में मौजूद नहीं थे। लेकिन अब इस हमले को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल हिजबुल्ला के मीडिया रिलेशंस ऑफिसर मोहम्मद अफीफ ने नेतन्याहू के घर पर हुए हमले की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने कहा कि हिजबुल्ला इस हमले की जिम्मेदारी लेता है। अफीफ ने आगे कहा कि प्रतिरोध की आंखें नेतन्याहू को देख रही हैं और कान सुन रहे हैं। अगर हम इस बार तुम तक नहीं पहुंच पाए तो हमारे बीच दिन रात और युद्ध का मैदान है। अफीफ ने अपने इसी बयान में आईडीएफ को लेकर कहा कि आयरन के बदले आयरन, खून के बदले खून और आग के बदले आग। अब हिजबुल्ला आईडीएफ को जैसे का तैसा जवाब देगा। वहीं हिजबुल्ला के इस बयान के बाद हमास की सैन्य शाखा अल कासिम ब्रिगेड्स का भी बयान आया है। दरअसल अल कासिम ब्रिगेड्स के प्रवक्ता अबू उबियदा का कहना है कि नेतन्याहू के घर पर हमला इजरायली नेताओं को एक संदेश है कि प्रतिरोध के नेताओं की शहादत किसी भी आंदोलन को कमजोर नहीं कर सकती। आपको बता दें कि उबियदा का इशारा सीधे हसन नसरल्लाह की तरफ था, क्योंकि नसरल्लाह की मौत के बाद ऐसा कहा जा रहा था कि हिजबुल्ला बेहद ही कमजोर पड़ गया है। लेकिन अल कासिम के प्रवक्ता का कहना है कि अब हिजबुल्ला और ज्यादा मजबूत हुआ है और वो इसराइल को और ज्यादा दर्द चोट देने के लिए प्रतिबद्ध है। इन सब के बीच आपको ये भी बता दें कि 19 अक्टूबर 2024 को हिजबुल्ला ने नेतन्याहू के घर पर जो हमला किया था, अब उस हमले की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। दरअसल इजरायली सेना ने नेतन्याहू के घर की कुछ तस्वीरें जारी की हैं, जिनमें ड्रोन हमले में हुआ नुकसान साफ नजर आ रहा है। इजरायली मीडिया के मुताबिक हिजबुल्ला का ये ड्रोन नेतन्याहू के बेडरूम की खिड़की से टकराया और इसमें हुए धमाके की वजह से बेडरूम की खिड़की चटक गई थी। लेकिन ये ड्रोन घर में घुसपैठ करने में नाकाम रहा, क्योंकि नेतन्याहू के बेडरूम की खिड़की में जो कांच लगा था वो बेहद ही मजबूत था। इसके अलावा बेडरूम में अन्य सुरक्षा प्रबंध भी किए गए थे। हालांकि खिड़की से कांच के कुछ टुकड़े छिटक कर पास में बने एक स्विमिंग पूल में जरूर जाकर गिरे। इजरायली मीडिया के मुताबिक इस हमले में कोई भी हताहत नहीं हुआ और नेतन्याहू और उनकी पत्नी भी घर में मौजूद नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ पीएम नेतन्याहू ने इस हमले का आरोप सीधे ईरान के मुखौटा संगठन पर लगाया है। उन्होंने कहा है कि जो कोई भी इजरायलियों को नुकसान पहुंचाएगा, वो उनसे भारी कीमत वसूलेंगे। गौर करने वाली बात यह है कि इस हमले को लेकर सऊदी अल हदात न्यूज नेटवर्क ने खुफिया सूत्रों के हवाले से दावा किया कि मामले की जाँच में इसराइल को पता चला है कि इस पूरे हमले में लेबनान में ईरानी दूतावास के अधिकारी भी शामिल थे। आईडीएफ का कहना है कि हिजबुल्ला ने इसराइल पर 3 ड्रोन फायर किए थे, जिसमें से 2 ड्रोन पहले ही मार गिराए गए थे, जबकि एक ड्रोन आईडीएफ के रडार को चकमा देते हुए नेतन्याहू के घर तक पहुंचा था। यहां तक कि इजरायल के लड़ाकू हेलीकॉप्टर भी इस ड्रोन को इंटरसेप्ट नहीं कर पाए, क्योंकि ये ड्रोन अचानक से आईडीएफ के रडार से गायब हो गया था और आईडीएफ को ऐसा लगा था कि ये ड्रोन कहीं क्रैश हो गया है। लेकिन हमले के कुछ ही मिनट पहले ये ड्रोन दोबारा से रडार पर नजर आया था।